बीते दिन तेजस्वी यादव गोपालगंज के दौरे पर थे और जब वहां से वो रिटर्न हो रहे थे तो बीच रास्ते में गाड़ी रोककर कुछ महिलाओं को मदद के रूप में पैसा दे रहे थे। उसको लेकर नीरज कुमार जो हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर शक्ति यादव आरजेडी के प्रवक्ता है, उन्होंने सरकार को खड़ी खोटी सुनाई है। पहले सुनिए शक्ति यादव ने क्या कुछ कहा है। जनता दलियों अज्ञानियों का बड़ा जमघट है पर पूरी तरह से घसक गया है, यह जनता दलियों के प्रवक्ता के बयान से स्पष्ट हो गया। ककहरे का ज्ञान नहीं, चले चुनाव आयोग को पत्र लिखने, कैसे कैसे चट्टे बट्टे को पाल पोस करके आपने रखा है नीतीश जी, जिनको एबीसीडी का भी ज्ञान नहीं है। इन लोग को पढ़ाइए सिखाइए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहां कहां कैसे कैसे बिहार में किन किन फेजों में लगा हुआ है। अरे कोई दल के आधार पर चुनाव नहीं है और ना ही एमपी एमएलए का चुनाव है, और जिस जगह कार्यक्रम थे वहां कोई आचार संहिता भी लागू नहीं थी। हम निर्मम नहीं है, हम असहाय को यूं ही छोड़ नहीं सकते। कोई मेरे पास दौड़ी हुई अपनी सहायता के लिए आए उसको दो पैसा मदद नहीं करें, यह हमारी मानवता नहीं इजाजत देती है। आपकी आपके पार्टी में जो संस्कार हो, आपके पार्टी सारी निर्ममता की सीमा को पार कर जाए, पीड़िता को असहाय को छोड़ दे मरने के लिए, पर राष्ट्रीय जनता दल पीड़ित और असहाय के लिए सदैव सीना ठोक के खड़ा रहता है। इतनी सी भी ज्ञान आपके छट्टे बट्टे को नहीं है। असल लिंग धलिंग संस्कृति में इनका राजनीतिक परिवरिश जो हुआ, एमएलए लिंग धलिंग प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई एमएलए स्टेज की शोभा बना रहे हैं बार बालाओं के साथ, तो उसी संस्कृति से ना निकले हैं लोग। कैसे कैसे तो कैसा कैसा बयान दे सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो आपने सुना शक्ति यादव को, जिन्होंने साफ तौर पे सरकार को निशाना बनाते हुए साफ तौर पे कहा है, नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए कहा है कि कैसे चट्टे बट्टे पाल लेते हैं नीतीश कुमार, जिन्हें ककहरा भी नहीं मालूम होता है। उन्हें नहीं मालूम है कि जहां तेजस्वी यादव गए थे वहां आचार संहिता नहीं लागू है। बता दें कि बीते दिन तेजस्वी यादव गोपालगंज के दौरे पर थे और जब वहां से रिटर्न हो रहे थे तो उस दरमियान कुछ महिलाओं को वो पैसा बांटते हुए उनका वीडियो जो है वो सामने आया था, और उसको लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा और उस पत्र में कहा कि तेजस्वी यादव संवैधानिक पद पे हैं, विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। साफ तौर पे जो पत्र आप देख रहे होंगे उस पत्र में लिखा हुआ है कि उन पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। उसको लेकर नीरज कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था। पत्र के बाद आरजेडी की तरफ से बयान आ गया है। बता दें कि शक्ति सिंह यादव हैं, पूर्व विधायक हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने सरकार और ख़ास तौर पर नीतीश कुमार को निशाना लेते हुए कहा है कि कैसे चट्टे बट्टे पाल लेते हैं जिन्हें ककहरा भी नहीं मालूम होता है। इस बात का प्रमाण खुद उनके प्रवक्ता दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है उसे साफ होता है कि जेडीयू के लोगों को कुछ जानकारी नहीं होती है, ख़ास तौर पर प्रवक्ताओं को। जिस तरीके से नीरज कुमार ने पत्र लिखा है राज्य निर्वाचन आयोग को तेजस्वी यादव के खिलाफ, उसको लेकर शक्ति यादव का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि चट्टे बट्टे पाल लेते हैं नीतीश कुमार, जिन्हें कुछ आता भी नहीं है, कुछ भी बोलते रहते हैं। आपने सुना शक्ति सिंह यादव, जिन्होंने जेडीयू के नीरज कुमार जो मुख्य प्रवक्ता हैं उनके द्वारा पत्र लिखे गए में जवाब में अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखते रहें लेंस बिहार, नमस्कार।